हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली आई वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मुंबई की एक पार्टी से, जहाँ पर एक लड़का फ्लेमिंगो नाम के ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेने के कुछ टाइम बाद ही उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो डिप्यूटी सीएम का बेटा था। उस पार्टी में डीजे नैना नाम की लड़की है, जिसका बिजली नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। कुछ टाइम बाद बिजली अपना पूरा लुक चेंज करती है और प्लेन से अपने गांव वापस आ जाती है। उसका गांव रन के किसी प्रदेश में है। तो वही बिजली की घर वालों की बात करें तो उसकी शादी हो चुकी है। उसकी सास का नाम सावित्री है, जिसे सब लोग रानी माँ के बुलाते हैं। रानी माँ के दो बेटे हैं, हरीश और कपिल। हरीश बड़ा बेटा है और उसकी शादी बिजली के साथ हुई है। तो वही कपिल छोटा बेटा है और उसकी शादी काजल नाम की लड़की के साथ हुई है। रानी माँ की एक बेटी भी है, शांता। वैसे सब लोगों के लिए रानी माँ जड़ी बूटी और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका ड्रग्स का बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसके बारे में उनके बेटे कुछ भी नहीं जानते। उनका बिजनेस उनकी बहुएं और बेटी संभालती है। बिजली अकाउंटेंट्स का काम संभालती है और काजल ऑर्डर पूरा करने का, और शांता का काम है उस ड्रग्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का, जिसका फॉर्मूला रानी माँ ने सिर्फ शांता को ही बता कर रखा है, इसलिए शांता वो सब संभालती है। वो सब लोग मिलकर बहुत ही चालाकी से ये बिजनेस चला रहे थे। बिजली मुंबई से आते वक्त एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आती है और उन्हें वो ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा करना था, इसलिए वो सबको काम पर लगा लेती है। तो वही मुंबई में डिप्यूटी सीएम के बेटे की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए वो चाहती थी कि इन ड्रग्स बनाने वालों को और सप्लाई करने वालों सब लोगों को पकड़ा जाए। इसलिए पुलिस वालों पर प्रेशर बढ़ रहा था और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। उन्हें एक सप्लायर मिल जाता है और उसे बहुत मारने के बाद उससे पता चलता है कि ये ड्रग्स किसी डेजर्ट एरिया से आता है। इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंस्पेक्टर विष्णु को चूज किया जाता है, लेकिन विष्णु का कहना था कि वो गुनेगारों को पकड़ भी लेगा, लेकिन फिर ऊपर से कोई कॉल आता है और सारे मुजरिम छूट जाते हैं। लेकिन उसके ऑफिसर्स उसे यकीन दिलाते हैं कि इस बार मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए ऊपर से कोई भी कॉल नहीं आएगा। इंस्पेक्टर विष्णु अपने काम में लग जाता है। तो वही काजल और बिजली अपना ऑर्डर पूरा करने में लग जाते हैं। तो वही शांता का योगी नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। एक्चुअली उनके बीच अफेयर नहीं था, बस फिजिकल रिलेशन था। शांता अपने काम के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस थी। तो वही रानीबा को पता चलता है कि कपिल और हरीश आने वाले हैं, इसलिए हवेली को अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। सारे सीसीटीवी कैमरा छुपाने के लिए फूलों की मालाएं लगाई जाती है। जब हरीश और कपिल एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, तभी हवेली पर कुछ लोग हमला करते हैं। रानी माँ, उनकी बहुएं और उनकी बेटी और बाकी सब मिलकर उन सबको मार देते हैं। तभी वहां पर हरीश और कपिल आते हैं, इसलिए वो लोग लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि उन दोनों को कुछ भी पता ना चले। एक एक करके वो सारी लाशें छुपा देते हैं। फिर सब लोग खाना खाने बैठते हैं, तब हमें पता चलता है हरीश और कपिल दोनों ही यूके में रहते हैं। कपिल एक इंस्पेक्टर है और हरीश बस टाइम पास करता रहता है। हरीश को ड्रग्स लेने की भी बहुत ज्यादा आदत है। उन सबके बीच दिमन नाम का एक लड़का भी था। रानीबा उसे भी अपना बेटा ही समझती है, लेकिन हरीश और कपिल उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन शांता दिमन से प्यार करती है। वो बार बार दिमन से अपने प्यार का इजहार करती और दिमन भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो रानी माँ को दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि रानी माँ उसे अपना बेटा समझती है। इसलिए उनके हिसाब से शांता और दिमन के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, इसलिए वो शांता को अपने आप से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। तो वही हरीश और कपिल की मैरिड लाइफ की बात करें तो हरीश और बिजली का रिलेशन अच्छा नहीं था। हरीश हमेशा ड्रग्स लेता और बिजली लेस्बियन थी। उसका नैना नाम की लड़की के साथ अफेयर ऑलरेडी चल रहा था। तो वही कपिल और काजल का रिलेशन अच्छा था, लेकिन काजल को शिकायत थी कि वो दोनों हमेशा साथ साथ नहीं रहते थे, काफी कम टाइम वो एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाते थे। कपिल उसे कहता है कि वो जल्दी उसे अपने साथ लेकर जाएगा। कपिल और हरीश के आने की वजह से रानी माँ को अपना ऑर्डर पूरा करने में तकलीफ आ रही थी, क्योंकि वो दोनों हवेली पर ही बैठे रहते तो वो ऑर्डर कैसे पूरे करेंगे। इसलिए रानी माँ उन लोगों को लेकर हंटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो लोग बिजी रहते हैं और यहाँ पर उनका काम चलते रहता है। नेक्स्ट डे हरीश और कपिल दोनों अकेले ही शिकार पर चले जाते हैं।
तभी उन्हें जंगल में कुछ औरतें दिखाई देती हैं और हरीश उनके पीछे पीछे जाने लगता है। अचानक वो औरतें गायब हो जाती हैं और यहाँ वहाँ ढूंढने पर उन्हें एक टनल नजर आता है। वो दोनों उस टनल में जाते हैं तो वहाँ पर काफी सारे लाइट्स, सीसीटीवी कैमरास और फिंगरप्रिंट स्कैनर थे। वहां जाने पर वो उस डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो डोर नहीं खुल रहा था तो दोनों मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर रानी माँ थी। वहां का नजारा देखकर वो दोनों ही शॉक थे, क्योंकि वहां अंदर अफीम के पौधे उगाए जा रहे थे और उसे ड्रग्स बनाने वाले थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थे कि उनकी माँ का ड्रग्स का बिजनेस है। रानी माँ डिसाइड करती है कि वो उन दोनों को सब कुछ सच बता देगी। वो उन्हें अपनी स्टोरी बताने लगती है। ये 24 साल पहले की बात है, जब सावित्री यानी कि रानी माँ अपने पति भोला के साथ रहती थी। वो बंजारे थे और एक गांव में रुके हुए थे। तभी हरीश और कपिल दोनों ही बहुत छोटे थे। सावित्री प्रेग्नेंट थी और उसे अपने पति के साथ कहीं पर ड्रग्स बेचने जाना था। उसके पति छोटी मोटी अमाउंट में ड्रग्स बेचा करते थे ताकि कुछ पैसे आ जाए और वो लोग कहीं शहर में जाकर सेटल हो जाए। और अगले दिन उन्हें ड्रग्स की डिलीवरी करने जाना था उनके एक फ्रेंड गब्बर के साथ। उनके साथ सावी भी आने वाली थी, क्योंकि अगर लेडीज कोई हो तो पुलिस वाले ज्यादा पूछताछ नहीं करते थे, इसलिए पुलिस से बचकर वो तीनों ड्रग्स डिलीवरी करने जाने वाले थे। कंटिन्यूसली 2 दिनों तक उन्हें ट्रैवल करना था, इसलिए सावित्री कपिल और हरीश को गब्बर की वाइफ के पास छोड़ देती है। वो जब उन लोगों के पास पहुंचते हैं तो पता नहीं उनमें क्या हो जाता है, वो लोग भोला को मार देते हैं। भोला को मरा हुआ देखकर सावित्री वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो लोग आकर सावित्री के साथ रेप करते हैं। गब्बर वहीं पर था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो लोग जाने के बाद वो सावित्री की ऐसी हालत देखकर उस पर तरस नहीं खाता, वो भी उसके साथ रेप करता है। वो सावित्री को लेकर वापस घर आने वाला था कि तभी मौके का फायदा उठाकर सावित्री गब्बर को मार देती है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को किसी तरह पालेगी, लेकिन सावित्री प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो हरीश और कपिल दोनों को ही मार देगी और फिर खुद भी मर जाएगी। लेकिन तभी वहां पर दीमन आता है, जिसकी वजह से सावित्री रुक जाती है। दीमन की माँ की तबीयत खराब हो गई थी और उनकी जल्दी मौत हो जाती है। दीमन एक्चुअली गब्बर का ही बेटा है, जिसे सावित्री ने अपना बेटा समझकर अपने साथ रखा था। अब सावित्री उसी ड्रग्स को बेचकर अपना घर चलाने लगती है। धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ने लगते हैं, क्योंकि सारे लोग बेसहारा थे। सावित्री ने उन सबको काम दिया था और उनकी रोजी रोटी चल रही थी। वो लोग थोड़ा अच्छा भला कमा रहे थे। तभी एक पॉलिटिशियन की उन पर नजर पड़ती है। वो चाहता था कि सावित्री उसके साथ बिजनेस करे, लेकिन सावित्री मना कर देती है तो वो वहां पर पुलिस भेजता है। पुलिस आकर उनके घरों को जला देती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसलिए सावित्री को ना चाहते हुए भी उस पॉलिटिशियन के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। वो आदमी सावित्री को हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहता है, ताकि उसके आड़ में वो ड्रग्स सप्लाई का काम कर सके। लेकिन रेगिस्तान में इतने ज्यादा ड्रग्स बनाना आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए खास पौधों की जरूरत होती थी और वहां पर पौधे नहीं उग पा रहे थे। इसलिए वो पॉलिटिशियन डेंजो नाम के एक क्रिमिनल को छुड़वाता है। डेंजो एक्चुअली एक साइंटिस्ट था और वो गोवा में ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ा था। डेंजो सावित्री की हवेली आता है और वहां पर उन पौधों को उगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन उन्हें पता चलता है कि वहां पर अंदर टनल है। वहां जब अंदर वो जाकर देखते हैं तो एक बड़ा तहखाना था। वहां पर डेंजो नर्सरी टाइप क्रिएट करता है और वहां पर पौधे उगाने लगता है, जिसके बाद रानी पा का बिजनेस पीठ पकड़ता है और वो धीरे धीरे एक सोशल वर्कर भी बन गई थी। वो सभी लोगों की मदद किया करती है, इसलिए सब लोग उसे रानी माँ कह के बुलाने लगे। उन्होंने हरीश और कपिल को इसलिए दूर रखा ताकि उन पर कोई मुसीबत ना आए, लेकिन ये सब सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शौक थे। दीमन भी गब्बर का ही बेटा है, जिसे रानी माँ ने अपने पास ही रख लिया था। हरीश ये सुनकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके माँ के पास बहुत ज्यादा पैसे और बहुत प्रॉपर्टी थी। तो वही कपिल नाराज था, क्योंकि ये बिजनेस इलीगल है, इसलिए कपिल ये सब कुछ छोड़कर जाना चाहता था। रानी माँ सबको एक साथ बुलाती है और बताती है कि उन्हें अब अपना वारिस चुनना है, और जो भी रानी कॉरपोरेशन के लिए अपना सब कुछ देगा वो उसे ही वारिस अपना चुनेगी,
इसलिए सब लोग अपने काम पर लग जाए। वो जन्माष्टमी के अगले दिन वारिस कौन होगा ये अनाउंस करेगी। और अब से हरीश और कपिल भी बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, उन्हें भी सब कुछ सिखाना होगा। हरीश प्लान बनाता है कि जो भी वारिस बनेगा वो उसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा। उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, उसे बस ड्रग्स लेने थे। एक दिन रानीमा के यहाँ एक औरत और उसका बच्चा आता है। उस औरत के पति ने उसे बहुत मारा था, इसलिए वो रानीमा के पास मदद मांगने आई थी। उसे देखकर काजल को अपनी कहानी याद आती है। जब वो बहुत छोटी थी उसके पापा ने उसे किसी कोठे वाली को बेच दिया था, जिसके बाद वो प्रोस्टिट्यूशन में उतर आई और वहां पर उस पर बहुत जुल्म हुए। लेकिन एक दिन रानीमा के आदमियों ने उसे रेस्क्यू कर लिया और रानीमा ने उसे अपने साथ रख लिया। तब काजल प्रेग्नेंट थी, लेकिन जैसे उसके बच्चे का जन्म हुआ उसकी मौत हो गई। काजल इस बात से बहुत दुखी थी कि वो अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाई। तो वही दमन भी शांता से दूर नहीं रह पा रहा था। वो शांता के प्यार को एक्सेप्ट करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम एक मोंग नाम के आदमी को देखते हैं जो रानीमा से बदला लेना चाहता है। एक्चुअली रानीमा से पहले मोंग ड्रग्स सप्लाई किया करता था। उसका बिजनेस बहुत फैला हुआ था, लेकिन रानीमा के आने के बाद उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, इसलिए वो रानीमा को भी अब बर्बाद कर देना चाहता है। उस दिन हवेली पर गुंडे मोंग नहीं भेजे थे, वो और भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा था ताकि रानीमा पूरी तरह से तबाह हो जाए। एक दिन जब दीमन और शांता रोमांस कर रहे थे तो उसे योगी देख लेता है। योगी शांता को पसंद करने लगा था, इसलिए वो जाकर कपिल को इस बारे में बताता है। कपिल जब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दीमन तो सबकी नजरों में शांता का भाई था, लेकिन कपिल इस बात को यहीं पर दबाना चाहता था। वो योगी को ले जाता है और उसको मार देता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। लेकिन उसे मारने के बाद कपिल बहुत ही डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। योगी की मौत की खबर सुनकर सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। रानी भाभी पूछताछ करने लगती हैं और उसे समझ आ जाता है कि कपिल ने उसे मारा है। वो भी शॉक थी कि कपिल ऐसा कैसे कर सकता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है। रानी माँ सोचती है कि अब उन्हें एक नया टाइप का ड्रग बनाना होगा ताकि मार्केट में उनका बिजनेस हमेशा चलता रहे, इसलिए वो डेंजो के पास जाती है। एक्चुअली रानी माँ डेंजो से प्यार करने लगी थी, लेकिन डेंजो का यहाँ रहना सेफ नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे वापस भेज दिया था। लेकिन अब नया ड्रग बनाने के लिए उन्हें डेंजो की जरूरत थी, और डेंजो भी रानी माँ को मना नहीं कर पाता। वो यहाँ आ जाता है और अपनी रिसर्च शुरू करता है। तभी रानी माँ को पता चलता है कि उनकी बोट पर ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि मोंग था, लेकिन उनका सारा माल बर्बाद हो गया था। रानी माँ सबको बुलाती है और नुकसान की भरपाई कैसे करे इसके बारे में पूछती है। लेकिन बिजली ने पहले से ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। ये सुनकर रानी माँ बिजली पर खुश हो जाती है, लेकिन इससे बाकी लोग जलने लगते हैं, क्योंकि कहीं वारिस बिजली ना बन जाए। तभी वहां पर बिजली से मिलने नैना आती है। नैना को देखकर बिजली बहुत शॉक थी, क्योंकि नैना यहाँ पर सेफ नहीं थी। वो चाहती है कि नैना जल्द से जल्द वापस चली जाए। तो वही हरीश को ड्रग्स की बहुत ज्यादा तलब लगी थी और वो डेंजो के पास चला जाता है। उसने जो नए ड्रग्स बनाए थे उसे वो कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में ले लेता है, जिसके बाद हरीश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसी हालत में नैना और बिजली को किस करते हुए देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि बिजली लेस्बियन है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। शांता भी डेंजो का बनाया हुआ ड्रग्स चेक करती है और उसे वो ड्रग्स काफी ज्यादा पसंद आता है। वो रानी माँ से कहती है कि इस ड्रग्स को उन्हें जल्द से जल्द मार्केट में लाना चाहिए। तो वही कपिल को लग रहा था कि दीमन शांता को फंसा रहा है ताकि वो वारिस बन सके, लेकिन दीमन योगी की मौत के बारे में पता कर रहा था। उसे योगी का मोबाइल मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि शांता और उसके बीच में भी अफेयर चल रहा था। दीमन इस बारे में शांता से पूछता है तो शांता उसे बताती है कि दीमन उसे भाव नहीं दे रहा था। वो कब तक दीमन का इंतजार करती, इसलिए वो योगी के साथ टाइम पास कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर कपिल आता है, जो दीमन के साथ लड़ने लगता है। कपिल को लगता है कि दीमन उसकी भोली बहन को फंसा कर सारी प्रॉपर्टी हत्या लेना चाहता है। उन दोनों में लड़ाई हो रही थी और शांता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बीच गोली डेंजो को लग जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। कपिल जाकर रानी माँ से माफी मांगता है और सब लोग बहुत ही दुखी थे, खास करके रानी माँ। कपिल शांता से कहता है कि वो अब यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाला,
वो अपनी माँ और बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो यही रहेगा और सारा बिजनेस संभालेगा। लेकिन शांता कहती है कि जब हरीश और कपिल यहाँ पर नहीं थे तब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन उनके आने के बाद सब मुसीबतें ही आ रही है। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो वही मुंबई में डिप्टी सीएम का बेटा मर जाता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगता है। विष्णु अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसे रानी कॉर्पोरेशन के बाहर बहुत सारे सोलर पैनल दिखाई देते हैं। अब उसे रानी कॉर्पोरेशन पर पूरा शक था, इसलिए वो वहां पर जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन विष्णु पर रानी माँ के आदमियों की नजर थी। रानी माँ फिर से उसी पॉलिटिशियन से मिलने जाती है। अब वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया था और वो रानी माँ से कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर की चिंता ना करे, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा और इलेक्शंस के लिए जितना पैसा चाहिए होगा वो रानी माँ को मैनेज करना होगा। अमाउंट बहुत बड़ी थी इसलिए रानी माँ थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। रानी माँ घर आकर सबको बता देती है कि उन्हें बहुत से पैसों की जरूरत है, इसलिए उन्हें और ऑर्डर्स बढ़ाने होंगे। लेकिन उन सबके बीच में एक ही प्रॉब्लम था, मोंग। इसलिए रानी माँ अब मोंग का चैप्टर खत्म करना चाहती है, लेकिन वो पॉलिटिशियन उसे कॉल करके बताता है कि मोंग को वो संभाल लेगा। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाती रानी माँ कुछ भी नहीं कर सकती। पॉलिटिशियन उसे बताता है कि मोंग कहाँ पर है, जिसके बाद रानी माँ अपनी टीम को लेकर मोंग के अड्डे पर हमला बोल देती है। वहां पर वो सब लोगों को मारती है और मोंग को वो मारने वाली थी तभी वहां पर वो पॉलिटिशियन पुलिस वालों को लेकर आता है और पुलिस वाले मोंग को पकड़ लेते हैं, इसलिए रानी माँ उसे मार नहीं पाती। वो बहुत ही गुस्सा थी लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो वही विष्णु को पता चल गया था कि रानी माँ किस तरह ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करती है, वो ड्रग्स कहाँ पर छुपाती है, जिसकी वजह से रानी माँ के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। तभी हरीश ड्रग्स मांगने के लिए नैना के पास चला जाता है, लेकिन उसे किसी ने मार दिया था। ये देखकर हरीश डर जाता है और बिजली का दिल टूट जाता है। बिजली बहुत ही रो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि नैना यहाँ पर सेफ नहीं है। जन्माष्टमी के फंक्शन की तैयारी हो रही थी और काजल बिजली को लेने आती है। बिजली बहुत ही रो रही थी लेकिन काजल उसे संभाल कर तैयार करके नीचे लाती है। हरीश बिजली से कहता है कि वो जानता है कि बिजली नैना से प्यार करती है और उसे खोकर उसे कैसा फील हो रहा होगा ये भी हरीश जानता है, इसलिए वो चाहे तो हरीश के साथ यहाँ से कहीं दूर आ सकती है। वाइफ बनकर ना सही लेकिन एक दोस्त बनकर वो दोनों साथ रह सकते हैं। कपिल और धीमन के बीच में शर्त लगती है कि कौन सबसे पहले मटकी फोड़ेगा और कपिल सबसे पहले मटकी फोड़ देता है। हरीश को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि कपिल ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वो तो पहले बहुत ही एक सिंपल सा लड़का था। लेकिन रानी माँ कहती है कि कपिल के अंदर ये टैलेंट पहले से था, उसे भी इस बारे में अब पता चला है। लेकिन शांता भी सबसे तंग आ गई थी, उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। वो जानती थी कि डेंजो रानी माँ से कितना प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो कभी साथ नहीं रह पाए। उसे डर था कि उसका और दीमन का भी कुछ ऐसा ही रिलेशन ना हो जाए, इसलिए वो अब इन सब से दूर रहना चाहती है। जिसके बाद रानी माँ सबको इकट्ठा बुलाती है और उन्हें विष्णु के बारे में बताती है कि विष्णु उनके बारे में सब कुछ जान गया था, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बस अपना काम कर रहा था। लेकिन रानी माँ चाहती है कि इस बार वो लोग किसी निर्दोष को मारे, और जो भी रानी कॉर्पोरेशन के लिए विष्णु को मारेगा वो रानी माँ की नजरों में और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। दीमन आकर विष्णु को मारने की कोशिश करता है लेकिन रानी माँ उसे रोक लेती है, जिसके बाद काजल आकर उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन रानी माँ उसे भी रोक लेती है। लेकिन विष्णु रानी माँ से कहता है कि उसे मोंग के भी बहुत से राज पता है, जिसके बाद रानी माँ विष्णु को दूसरे रूम में लेकर जाती है। सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। रानी माँ के सेक्रेटरी पर हमला करके विष्णु रानी माँ को लेकर भाग गया था, लेकिन आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी तालाब में गिर जाती है। अगले दिन पुलिस वालों को रानी माँ की लाश मिलती है। रानी माँ की मौत से सब लोग दुखी थे। रानी माँ ने जाने से पहले एक वीडियो बनाया था ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो अपनी बात अपने बच्चों के सामने रख सके। वो कहती है कि उन्होंने अपना वारिस चुन लिया है और वो चाहती है कि सब लोग उसी का साथ दें। तभी वहां पर उनका वकील आता है जो वारिस का नाम अनाउंस करने ही वाला था कि तभी वहां पर मोंग आता है। वो उस लॉयर को मार देता है और सारे पेपर चला देता है। तब हमें पता चलता है कि काजल भी मोंग के साथ मिली हुई है।
सब लोग ये जानकर काफी ज्यादा शॉक थे कि काजल ऐसे कैसे कर सकती है, जबकि रानी माँ ने उसे सहारा दिया था। तो काजल बताती है कि रानी माँ जितनी अच्छी बनती है उतनी है नहीं। वो बताती है कि रानी माँ ने उसे प्रोस्टिट्यूशन से निकाला और ड्रग्स के बिजनेस में ढकेल दिया। जब काजल की डिलीवरी हुई थी तो उसने देखा था कि उसका बच्चा हाथ हिला रहा था, यानी कि उसका बच्चा जिंदा था। फिर भी रानी माँ ने उसे झूठ बोला और उसके बच्चे को किसी और को दे दिया। कुछ साल बाद काजल को पता चला कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है और वो मॉन्ग के पास था, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। रानी माँ का सेक्रेटरी सिर्फ काजल को ही देख रहा था। काजल उससे पूछती है कि वो ऐसे क्यों देख रहा है, तो वो बताता है कि अब सबके चेहरे से पर्दे हट चुके हैं। तभी हमें पता चलता है कि रानी माँ का मरना एक नाटक था। विष्णु के साथ उसका भाग जाना सब कुछ प्लान था। जो रानी माँ की लाश मिली थी लेक से, वो किसी और की नहीं बल्कि नैना की लाश थी। नैना को रानी माँ का लुक दिया गया था और उसी की लाश को वहां पर रखा गया था। और रही बात विष्णु की, तो विष्णु की बॉडी भी नहीं मिली थी और विष्णु के बारे में किसी को कुछ भी अभी तक पता नहीं चला था। रानी माँ पहले से जानती थी कि कोई अंदर के लोग मॉन्ग से मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया। रानी माँ को ये भी पता चल गया था कि मॉन्ग को मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि पॉलिटिशियन था। तभी हमें पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा से रानी माँ सब कुछ स्क्रीन पर देख रही थी, और जब मॉन्ग उनके घर वालों को मारने वाला था, वो मॉन्ग की तरफ आने लगती है और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये था सास बहू और फ्लेमिंगो सीरीज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।